हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं रेडमी 9C और रेडमी 9A के बारे में। तो ये दोनों डायग्राम एक ही है और एक ही मेथड है, देख लीजिए, दोनों सेम दिख रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक के हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएँ। और साथ ही साथ एक बात और सुन लीजिए गाइस, यदि आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए डालना है जो हमारे नए व्यूवर देख रहे हैं, तो ये नीचे दिए हुए नंबर पे, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे फ़ोन करके आप डिटेल ले सकते हैं आपको जैसा क्या पार्सल लगाना है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक है आज का 9A के बारे में और 9C के बारे में। दोनों मॉडल सेम ही है, बस फर्क इतना है कि ये नंबर अलग है बस, बाकी मॉडल दिखने में दोनों सेम है। और ये प्लस डिस्प्ले लाइट बताएंगे हम और प्लस डिस्प्ले ग्राफिक्स। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये वाली लाइन चेक कर लेनी है हमारे LED की। ये तीन लाइन मेन रहती है, ये तीनों चेक कर लेनी है, LED 2-2-1 और LED प्लस वाली और LCD CABSC वाली। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये तीनों लाइन हमारी यहाँ गई हुई है, ये देख जैसा आप देख पा रहे होंगे तीनों ICU में गई है। और ये ऑरेंज वाली जो हमारी प्लस वाली लाइन है जो मेन डिस्प्ले लाइट का काम करती है, ये आपको ही कनेक्शन चेक कर लेने हैं। कनेक्शन कैसे चेक करने हैं, ये हमारा मेन डायोड है, ये कॉइल है और ये एक रजिस्टर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक रजिस्टर्ड लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। ज़्यादातर गाइस ये कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से प्रॉब्लम आती है और ये रजिस्टर्ड उड़ने की वजह से भी कई बार प्रॉब्लम आती है। कई बार क्या होता है कि कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, इसकी वजह से ये और ये दोनों उड़ जाते हैं। कई केस में क्या होता है, ज़्यादातर बैटरी लगी रही और ये शॉर्ट होने के बाद उड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये IC उड़ जाती है उसकी वजह से। तो ग्राफिक्स के सेक्शन पे आ जाते हैं हम। डिस्प्ले लाइट का एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, तो मैं थोड़ा अनजूम करके बता देता हूँ। देख लीजिए इस तरीके के कुछ कनेक्शन है, यदि आपको ठीक से दिख रहा नहीं होगा तो आप फोटो लेके देख सकते हो। देख लीजिए एक बार मैं बता देता हूँ, इस तरीके के कनेक्शन है हमारे, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो ये तीन लाइन हमें चेक कर लेनी है ग्राफिक्स बताने वाले। और ग्राफिक्स का गाइज ऐसा है, ये है रेडमी 9A और ये है रेडमी 9C। तो ये दोनों में सेम कनेक्शन है, तो ऐसा कुछ अलग नहीं है, मदरबोर्ड सेम है, कनेक्शन भी सेम है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। यदि आपके फ़ोन में GR वैल्यू वगैरह कुछ कहाँ कहाँ आपको चेक करना है, तो ये वीडियो उसके लिए ही है। डिस्प्ले कनेक्टर पे आ रहा है और ये पूरी लाइन है CPU में जा रही है, बस इतना ही था। और ये ग्राफिक्स IC है हमारी जो डिस्प्ले को ग्राफिक्स देने में मदद करती है, ठीक है। तो बस आज का वीडियो यही था गाइस। अगर अभी तक के आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भाइयों को फ़ोन रिपेयर के लिए डालना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।